कन्वर्ट इन टू मिनट. क्वेश्चन नंबर वन, कन्वर्ट इन टू मिनट. क्वेश्चन नंबर एट, फोर आवर्स. क्वेश्चन नंबर बी, एट आवर्स, 200 मिनट्स. अब देखो भाई, अब दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउ मेनी मिनट्स इन वन आवर? वन आवर इक्वल टू 60 मिनट. तो देयर फोर फोर आवर 60 × 4 240 मिनट्स. ऐसे ही तो होगा. अब क्वेश्चन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. बी फोर वन आवर इक्वल टू 60 मिनट. वन आवर में 60 मिनट्स ही तो होते हैं ना. तो हाउ मेनी मिनट्स इन 8 आवर? तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड या एड? मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही. तो देयर फोर 8 आवर्स 60 × 8. हाँ भैया, आप बताओ आर्यन. 488 × 48 480 मिनट्स. अब ये 200 ये भी है, तो हम क्या करेंगे, 8 8 और 200 मिनट इक्वल टू 480 प्लस 200 680 आ गए. भैया ने बिल्कुल सही बताया, 680 मिनट्स. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका सी और डी भी अपन आप करेंगे. बी कोर 60 मिनट, वन आवर 60 मिनट इक्वल टू वन आवर. देयर फोर 1 मिनट 1/60 आवर. भाई 1 मिनट में 1/60 आवर. एंड 80 मिनट 80/60. अब 60 से 80 को डिवाइड कर दो. डिवाइड 80/60, 60 बन जा 60. रिमाइंडर 0 20. अब ये मिनट है तो ये भी मिनट, और ये आपके क्या हो गए, आवर्स. तो हमारा आंसर हो गया 1 आवर 20 मिनट. इस प्रकार से आप इसको सोल्व करें. अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी पहले कर लेंगे, दो क्वेश्चन में करा देता हूँ, उसके बाद ही आप करना है. तो पहले बी क्वेश्चन, बी फोर 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. देयर फोर 1 मिनट 1/60 आवर. 1/60 आवर, देयर फोर 770 मिनट 770/60. अब 60 से जैसे सेम करो, डिवाइड करके दिखाओ, सो करो 60 770. देखो छोटे बच्चे ही बन, आप वो भी छोटे ही, तो उसी के अकॉर्डिंग करो. तो 60 बन जा 7 − 0 = 7, 7 − 6 = 1, टेक डाउन 0, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 18 मोर देन द 17, 18 ज्यादा हो गया. तो अब क्या करें, 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 6 × 0 = 0, 7 − 3 = 5. तो ये तो होगी आपके मिनट, और ये होगी आपके आवर्स. तो हमारा आंसर हो गया
12 are 59. कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से करेंगे, पेपर में भी ऐसे करेंगे। अगर आप पेपर में भी ऐसे करोगे, कॉपी पे लिखकर, तो आपके नंबर पूरे मिलेगा हर टीचर, चाहे कोई भी चेक करे, चाहे नमन जी चेक करें, चाहे आपकी रूपाली दीदी चेक करे, कोई भी चेक करेगा, मैं नहीं चेक करता हूँ, तो भी नंबर पूरा है। ठीक है, करिए जल्दी से। लुक एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू सेकंड। वी नो दैट 1 मिनट 60 सेकंड इक्वल टू 60 सेकंड SEC सेकंड MIN मिनट्स। हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 25 मिनट इक्वल टू 25 इंटू 60 25 की टेबल पढ़िए, 25 सिक्स जा, कौन बताएगा भाई? हाँ हर्षित, यार क्या नाम आपका? हर्षित आदित्य, हर्ष हर्ष हर्ष। हाँ 25 सिक्स जा, इतनी देर थोड़ी आप बताओ, 25 सिक्स जा मैंने पूछा, वो बताओ 150 उतनी बात बोलो, 25 सिक्स जा 150। अब इसके आगे जीरो लिखेंगे, ये बन गया 1500 सेकेंड। टेबल पूछी थी मैंने भैया, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 22 मिनट इक्वल टू 22 into 60 22 सिक्स। ट्वेंटी टू सिक्स, यस। अब आंसर देखिए, बोले 22 सिक्स, नो 132 बोलो पहले। मैंने 22 सिक्स पूछा है, मैंने 60 टाइम नहीं बोला, वही आंसर। आप भी गलती वही कर रहे हो, हम बोल रहे हैं 22 सिक्स और जीरो इसके आगे सेम लिखेंगे बस। तो 132 आपका आंसर आ गया 1320 सेकेंड, लेकिन ये 55 सेकेंड अभी और है, तो इनको ऐड कर देंगे, देयरफॉर 22 मिनट 55 सेकेंड इक्वल टू 1320 प्लस 55 75 सेकेंड 1375 सेकेंड ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकंड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था और सेकंड क्वेश्चन करा था डिवीजन, उसी के अकॉर्डिंग है। अब देखो कैसे सॉल्यूशन, एक बी को 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, यही तो होगा भाई, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, क्लियर? देयरफॉर 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। अब 60 से डिवाइड करेंगे, 350 देयरफॉर 350 सेकंड 350/60। अब 60 से डिवाइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सिक्स फाइव जा 30 और सिक्स जा 36, 36 द मोर देन 35, तो 6 5 जा 30। अब 6 की टेबल क्यों पढ़ रहे हैं हमने, 60 की क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि 6 जीरो तो लगाने उसके आगे है, हमारा ये सिंपल होता है, रिमाइंडर 0 - 0 5 - 5, तो दिस इज ए सेकेंड।
ये तो सेकंड और दिस मिनट, तो आंसर फाइव मिनट फिफ्टी सेकंड। क्लियर? अब लूप क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बिकॉज 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, देयरफॉर 1 सेकेंड 1 अपॉन 60 मिनट, देयरफॉर 720 सेकेंड 720 अपॉन 60 720 डिवाइड बाय 60 6 बन जा भाई, 7 इज द मोर देन 6 तो 6 बन जा 6, वन टाइम टेबल चलेगा 2 माइनस 0 2 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 टेक डाउन 0 6 टू जा 12 और इसके आगे ये 0 सेम मिनट, इसमें आगे सेकंड नहीं आए क्योंकि जो रिमाइंडर नहीं है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मिनट, ये हमारा आंसर आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना करेंगे बाकी।